बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद खान और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था दैट व्हाट इज लिमिट, लेकिन किस नज़रिए से हमने पढ़ी थी वो नोटेशन जिसको हम यूज़ करके लिमिट को लिखते हैं इन द मैथमेटिकल लैंग्वेज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी अप्रोचेज। देखिए, आप इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो लिमिट की है ज्योमेट्रिकल अप्रोच और एक है इसकी न्यूमेरिकल अप्रोच। हम जनरली तो यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल अप्रोच, ठीक है, लेकिन मैंने एक बार आपको समझाने के लिए ज्योमेट्रिकल अप्रोच का भी आइडिया आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिख लिया था बोर्ड पर। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके जहन में कोई भी सवाल पैदा होता है तो आप उसको कॉमेंट बॉक्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को, इन टॉपिक को समझ लेते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टॉकिंग अबाउट द ज्योमेट्रिकल अप्रोच ऑफ द लिमिट्स। यहां पर आपके पास एक सर्कल के अंदर सर्कमस्क्राइब्ड स्क्वायर मौजूद है जिसकी आपके पास फोर साइडेड पॉलीगॉन है, बेसिकली चार साइड्स हैं इस पॉलीगॉन की। तो आप यहां पर ये देख सकते हैं कि देयर इज एन एम्प्टी एरिया। देखिए, यहां पर ये एम्प्टी एरिया मौजूद है चारों साइडों पर, जो कि बहुत ज्यादा है। अब इस एरर को आप कम करने के लिए इसके पॉलीगॉन की साइड्स को बढ़ा दें। फॉर एग्जांपल, फोर साइडेड पॉलीगॉन था, इसको डबल कर दें यानी कि एट साइडेड पॉलीगॉन बना लें। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो एम्प्टी एरिया है दैट इज गेटिंग लेसर, कम होता जा रहा है जैसे जैसे आप इसकी साइड्स पॉलीगॉन की बढ़ाएंगे। इसी तरह देखिए, यहां पर इस फोर साइडेड पॉलीगॉन जब हमारे पास था और अब हमने एट साइडेड पॉलीगॉन लिया, आप यहां पर देख सकते हैं फिगर के अंदर आपको समझ में आएगा कि जैसे हम लोगों ने इसकी पॉलीगॉन की साइड बढ़ाई, इंक्रीज की, आपके पास जो ये एम्प्टी एरिया था ये कम हो गया। माना द एरिया ऑफ दिस पॉलीगॉन इज गेटिंग नियरली इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस सर्किल। इसी तरीके से आपके पास एट साइडेड पॉलीगॉन में भी देयर वॉज सम एम्प्टी एरिया बिटवीन द साइड ऑफ द पॉलीगॉन एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। अब आप इसको 8 साइड से बढ़ा दीजिए, 16 साइडेड कर दीजिए। अब देखिए, यहां पर बहुत मिनिमम एरर आपके पास बचेगा। बट आई कैन नॉट लाइक माई सेल्फ ड्रॉ दैट फिगर इन ऑन दिस व्हाइट बोर्ड एग्जैक्टली, मैं प्रॉपरली या एग्जैक्टली उसको डिस्प्ले नहीं कर सकता एरर को, मगर बहुत ही कम एम्प्टी स्पेस बचेगा बिटवीन द साइड ऑफ द पॉलीगॉन एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। तो आपको मेरे समझाने की मुराद क्या है, देखिए, एज द साइड ऑफ द पॉलीगॉन इंक्रीजेस द एम्प्टी एरिया या फिर द एरिया ऑफ द सर्कल इज नियरली इक्विवेलेंट टू द एरिया ऑफ दिस पॉलीगॉन। ठीक है, अब ये थी इसकी ज्योमेट्रिकल अप्रोच। इसकी अगर हम लिमिट्स की न्यूमेरिकल अप्रोच की बात करें तो देखिए, आप यहां पर मैंने एक फंक्शन ले लिया, कंसिडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये एक फंक्शन है, द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज रियल नंबर, ये हमें पता है। देखिए, जनरली आपके पास अगर फंक्शन के साथ डोमेन नहीं गिवन है तो हम उसकी डोमेन को कंसिडर करते हैं ओनली रियल नंबर्स, नो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ओके, नो इमेजिनरी नंबर्स, सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स हम उसकी डोमेन को कंसिडर कर लेते हैं। सो वी हैव टू फाइंड द लिमिट एज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब आपको उसने बोला लिमिट फाइंड कीजिए एक फंक्शन की जो कि है एक्स क्यूब, जबकि एक्स अप्रोच कर रहा है किस पे, टू पे। तो मैंने यहां पर टेबुलरली वैल्यूज लिख ली थी, एक टेबल बना लिया था ताकि मैं आपको समझा सकूं कि किस तरीके से लिमिट काम करती है। देखिए, नाउ अप्रोच करता हूं मैं टू पे दो साइड से। देखिए, अब आपके पास जब एक नंबर लाइन मौजूद है, टू डायमेंशन की मैं बात कर रहा हूं, सो यू कैन अप्रोच टू अ नंबर फ्रॉम ईदर द लेफ्ट हैंड साइड और ईदर द राइट हैंड साइड। ऐसे ही ना, दो कंडीशन है, या तो आप पॉजिटिव साइड से उसकी तरफ बढ़ेंगे या तो आप उससे उसके ऊपर नेगेटिव साइड से बढ़ेंगे, या ना लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे या फिर राइट हैंड साइड से आएंगे। सो दिस मींस द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस मींस द राइट हैंड साइड, ओके। सो यहां पर मैंने फंक्शन पे दोनों साइड से अप्रोच किया। देखिए, एक बार मैं टू से आ रहा हूं, देखिए लेफ्ट हैंड साइड से 1.9 1.99 एंड 1.999, ओके। इसी तरह मैं टू पे अप्रोच कर रहा हूं फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो वो 2.1 2.01 और 2.001। तो मैं दोनों साइड से अप्रोच करके आपको इसकी वैल्यूज दिखाना चाह रहा था। देखिए, आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता है ना टू की, इफ फंक्शन इज एक्स क्यूब। देखिए, एक्स क्यूब जगह आप अगर एक्स क्यूब में आप 2 पुट कीजिए तो इट विल बी 2 का क्यूब। इट मींस 2 का क्यूब मींस 2 टाइम्स इज 4 एंड 2 3 टाइम्स इज 8 बेसिकली। मींस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 व्हिच विल बी इक्वल टू 8। एग्जैक्ट वैल्यू इसकी 8 है। अब आपने जब लिमिट अप्रोच की 1.9 में क्या थी इसकी वैल्यू, 5.832।
1.99 पे इसकी वैल्यू क्या आई, 6.859। और आप जब और आप क्लोज गए 2 के फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, इट इज इक्वल टू 7.988। इसी तरह जब आप राइट हैंड से आपने 2 पे मूव करना शुरू किया तो 2.1 पे आपकी वैल्यू क्या थी फंक्शन की, 9.261। 2.01 पे आपकी फंक्शन की वैल्यू क्या थी, 8.01206। और इसी तरह जब आप और क्लोज आए फ्रॉम द राइट हैंड साइड, इट इज 8.012। और आप और क्लोज जाइए, देखिए अब आप एक आपको मैं काम देता हूं, कमेंट बॉक्स में आपने करके लिखना है, आपने इसकी लिमिट मालूम करनी है एट 1.9999 और लिमिट इसकी मालूम करनी है एट 2.0001। आप ये देखेंगे, यू विल नोटिस कि आपकी वैल्यू नियरली 8 आएगी, माना 7.999 आएगी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड फ्रॉम द राइट हैंड साइड इट विल बी 8.00001। दिस इज व्हाट यू कैन नोटिस हियर आल्सो, ठीक है। तो वी से दैट व्हाट, वी से दैट 8 इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन। व्हाई, आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर एग्जैक्टली सेंटर में 2 लाया करता है ना, 1.999 से बड़ा है और 2 ग्रेटर देन 1.999 एंड लेस देन 2.001, इट मींस इट लाइज इन बिटवीन दीज। तो माना उसका जो रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ द फंक्शन मस्ट ऑल्सो लाई बिटवीन दीज, माना 7.988 से बड़ी और 8.012 से छोटी। सो वी कैन से दैट, we can say that 8 is the limit of the function when x is approaches to x is approaching to 2 or x approaches 2। और हम लोग इसको mathematically कैसे लिखेंगे, देखिए f of x approaches to 8 as x approaches to 2। मतलब क्या है, जैसे x approach करेगा 2 पे आपकी function की value approach करेगी 8 पे, या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं that limit x approaches to 2 x cube will be equal to 8। माना जब x अप्रोच करेगा 2 पे तो x क्यूब की जो लिमिट होगी वो बराबर होगी 8 के। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने रिव्यूज कमेंट करना ना भूलें। आपका अपना अहमद खान फ्रॉम द चैनल ट्यूटर एंड मेंटर साइनिंग ऑफ, थैंक यू, खुदा हाफिज। Like I'm floating through the air.